हेलो एवरीवन, वेलकम टू मोटरबर्स्ट। दोस्तों आज रिव्यू कर रहे हैं द बोल्ड एजी एंड ब्राइट, यस दैट्स द टैगलाइन। मैं बात कर रहा हूँ ग्राजिया 125। सो क्या क्या फीचर्स प्रोवाइडेड है सभी के बारे में जानेंगे। आप जो है इस वीडियो के लाइक का बटन जरूर से दबा दीजिए। एंड अगर आपको होंडा का कोई भी बाइक देखना है स्पेसिफिकली इन अम्बाला कैंट, आप ऑटो वर्ल्ड अम्बाला कैंट विजिट कर सकते हैं। शोरूम की सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है। सो शुड यू कंसीडर दिस वन, लेट्स फाइंड आउट। I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know the time can heal it all, I just gotta get through. Sometimes I feel like all is lost, but I know it's not true. I wanna put up all my walls cause I'm not in the mood. But then I cut myself off from the rest of the room. I know that time can heal it all if you're patient and soon. Grazia 125, yes. Variants ki baat karu, so do hi variants aate hai, disc or drum. This one is a disc variant. प्राइस की बात करूँ सो ऑन रोड ड्रम वेरियंट का प्राइस पड़ जाता है अराउंड 96,000 एंड डिस्क का प्राइस पड़ जाता है अराउंड 1 लाख। सो यस, इट इज़ अ बिट प्राइसी। नाउ अगर डिज़ाइन की बात करूँ सो बहुत ही बोल्ड एंड बहुत ही अग्रेसिव डिज़ाइनिंग है इस स्कूटी की। स्नेक आइज नो, यहाँ पर आपको LED DRL मिलते हैं, उसके ऊपर ब्लैक में ट्रांसपेरेंट में आपको मिनी वाइजर मिल जाता है। एंड फ्रंट में आप देख सकते हैं लाइक ट्रिपल टोन कलर मिल जाते हैं, ब्लैक वाइट एंड रेड, जो कि काफ़ी अच्छे से ब्लेंड हो रहा है। यहाँ पर आपको मैट फिनिश में जो ये एरिया है वो मिल जाता है। यहाँ पर आपको साइड में इंडिकेटर्स मिलते हैं, जबकि यहाँ पर बहुत ही शार्प आपको ऑल LED हेडलैम्प मिलता है। यस, काइंड ऑफ रियली अग्रेसिव। यहाँ पर आपको मेटल मिलता है, जबकि पूरी बॉडी फाइबर की बनी है। नाउ इस साइड की बात करूँ सो आप देख सकते हैं वाइट एंड रेड का कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा लग रहा है। 125 की बहुत ही बोल्ड ब्रांडिंग है। टायर्स की बात करूँ सो यहाँ पर आपको 12 इंच के रिम्स मिलते हैं। एंड दिस वन इज द डिस्क वेरियंट, सो यहाँ पर आपको 190mm का डिस्क पेडल प्रोवाइडेड है। नाउ आपको ABS नहीं मिलता, बट आपको CBS मिलता है विच इज कम्बाइंड ब्रेकिंग सिस्टम। फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलता है विथ रिफ्लेक्टर्स। नाउ अगर टेक्निकल स्पेक्स की बात करूँ सो आपको 1260mm का व्हील बेस मिलता है, जबकि 161mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है एंड 708mm आपको हाइट मिल जाती है। यस, यहाँ पर आपको ग्राजिया की बहुत ही बोल्ड ग्राफिक्स मिल जाता है, डिजाइनिंग काफ़ी अच्छा है। यहाँ पर आपको अलॉय के फुट पैक्स मिलते हैं, होंडा की बैजिंग, फ्लोर एरिया काफ़ी ठीक है। एंड सीट्स की बात करूँ सो लेंथ भी अच्छी है, कुशनिंग भी काफ़ी अच्छी है, 2-3 लोग इजीली बैठ जाएंगे। यहाँ पर आपको स्विच यूनिट मिलता है जिसमें आपको फ्यूल एंड सीट ओपनिंग का ऑप्शन मिलता है, जो कि एक्सटर्नल है। यस, नीचे दबाएंगे सो आपका सीट ओपन हो जाएगा। सो अगेन यहाँ पर आपको 18 लीटर का स्पेस मिलता है एंड एज सच LED लाइट या फिर चार्जिंग सॉकेट प्रोवाइडेड नहीं है। नेक्स्टली इसको अगर ऊपर दबाएंगे देन आपका फ्यूल लिड ओपन हो जाएगा एंड यहाँ पर आपको 5.3 लीटर्स का फ्यूल टैंक मिलता है विच इज़ डिसेंट। जो साइड ग्रैब रेल्स है वो भी वाइट में फिनिश्ड है, काफ़ी यूनिक लग रहा है। नाउ यहाँ बात करूँ सो यहाँ पर आपको फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है। यस, बट राइट नाउ इट इज़ नॉट हैविंग द पावर। बट अगर मैं इसके बारे में बताऊँ तो यहाँ पर आपको स्पीड इंडिकेटर, साइड स्टैंड कट ऑफ सेंसर, देन रियल टाइम इकोनॉमी, डिस्टेंस टू MT, ये सारी फीचर्स मिल जाते हैं विद टिल्टेड लाइट्स। स्विच गियर की बात करूँ सो यहाँ पर क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, आपको हाई बीम, लो बीम एंड इंटीग्रेटेड पास लाइट मिल जाता है। इंडिकेटर का कंट्रोल उसके नीचे, हॉर्न का कंट्रोल एंड दिस साइड यू हैव आइडल स्टॉप स्टार्ट सिस्टम, सो ये काफ़ी अच्छा गिवन है। उसके नीचे इंजन स्टार्ट करने का स्विच एंड यहाँ पर आपको एक ग्लव बॉक्स भी प्रोवाइडेड है, सो दिस वन इज़ रियली फैब्यूलस। नाउ यहाँ पर आपको थोड़ा मैश टाइप का डिज़ाइन मिल जाता है, जो कि यहाँ पर भी प्रोवाइडेड है। एग्जॉस्ट नाउ सिल्वर इंसर्ट है इसमें एंड थोड़ा स्पोर्टियर भी है। नाउ इंजन की बात करूँ सो यस, यहाँ पर आपको 125 cc का फ्यूल इंजेक्टेड इंजन मिलता है। यस, ये प्रोड्यूस करता है 8.14 bhp ऑफ पावर एंड 10.3 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। सो पावर फिगर काफ़ी अच्छी है, परफॉर्मेंस आपको अच्छी मिलने वाली है। एंड इसमें आपको एनहेंस स्मार्ट पावर सिस्टम मिलता है, विच मीन्स जो पावर डिलीवरी है बहुत ही बेहतरीन मिलने वाली है। पीछे आपको मोनोशॉक 3-वे एडजस्टेबल सस्पेंशन मिलता है, डुअल स्टैंड एंड साइड स्टैंड भी प्रोवाइडेड है। टेल लैम्प सेक्शन की बात करूँ सो जेट इंस्पायर्ड टेल लैम्प एरिया मिलता है, हाउएवर एवरीथिंग इज हैलोजन, बट जो डिजाइनिंग है काफ़ी शार्प एंड स्लीक है। एंड अगर आप इसके कर्व वेट की बात करूँ सो आपको 108 kg का कर्व वेट मिल जाएगा। सो व्हाट अबाउट द फाइनल वर्डिक्ट? नाउ अगर माइलेज की बात करूँ सो आपको 45-47 का माइलेज इजिली मिल जाएगा, विच इज ARAI क्लेम्ड। नाउ फीचर्स एंड डिजाइनिंग काफ़ी वेल प्रोवाइडेड है एंड जो राइडिंग डायनेमिक्स है काफ़ी अग्रेसिव मिलने वाला है आपको। सो यस, ओवरऑल बहुत ही डिसेंट स्कूटर है। बट यस, इफ यू आर विलिंग टू पे 1 lakh देन यू शुड डेफिनेटली गो विद दिस वन। सो दैट वॉज ऑल, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन जय हिंद।